तो हमने जो है लास्ट टाइम पढ़ा था थायराइड और पैरथायराइड ग्लैंड के बारे में, और कि किस तरह जो है हमारी जो बोन है, जो हमारा कैल्शियम बैंक है, उससे किस तरह जो है कैल्शियम जो है खून में जाती है, और हमने इस टॉपिक पर डिटेल में बात की थी। तो इसको थोड़ा सा एक दो मिनट एक्सप्लेन कर दो। तो होता है इस तरह कि हमारी बॉडी में जो है दो तरह के हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन होता है और एक पैराथायराइड हार्मोन होता है। तो जो थायराइड हार्मोन है नेचुरल है, दोनों नेचुरल, लेकिन जो थायराइड हार्मोन है ये अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में परमानेंट काम करने के लिए बनाया, कि ये जो है नेचुरल तरीका है। तो होता क्या है, जब थायराइड हार्मोन जो है जब थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो बोन जो होती है, हमारी जो कैल्शियम बैंक है, उससे जो है हमारे खून में जो है ब्लड जाता है। जो ब्लड है हमारे उसमें 1% खून होना लाजमी है, अगर नहीं होगा तो जिंदगी जो है पॉसिबल नहीं होगी। तो ये जो है 1% खून लाजमी है। जब हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि अब जो 1% जो ब्लड में जो जो कैल्शियम है वो पूरी रहेगी, इसमें कोई कमी पेशी आ नहीं सकती, अगर आएगी तो इंसान की मौत हो जाएगी। तो फिर क्या होता है, जब हमारी खुराक अच्छी नहीं होती, हम अपनी सही खुराक नहीं लेते, तो फिर क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो बोन होती है उसमें उससे कैल्शियम जाती है हमारे ब्लड में। असल में अल्लाह ताला ने क्या सूझ बनाया कि जो ब्लड है वो कैल्शियम ले, खुराक से कैल्शियम ले, 1% अपने पास रखे और बाकी जितनी भी कैल्शियम है वो बोन को दे। लेकिन ये उल्टा प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में चलता है, जिसकी वजह से जो है फिर हमें आगे हमारी हड्डियों में कमजोरी पैदा होती है और हमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसले होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी हड्डी उसमें जो है खोखला होने लगती है, उसमें बुरबुरापन आने लगता है, जिससे हमारी जो है हड्डी हल्का सा झटका लगने से जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। तो आगे हम देख लेते हैं, तो कैल्शियम जो है हमारी जो बोन्स है उससे डायरेक्टली रिलेट करती है, यानी उसका कैल्शियम का जो है हमारी हड्डियों से गहरा ताल्लुक है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो बोन्स है हमारी इंसान की जो हड्डियां हैं उसको कैल्शियम बैंक भी कहा जाता है, यानी कैल्शियम का खजाना जो हमारी बोन्स है। तो आप ये देखें, ये आप इमारत देख सकते हैं, खड़ी हुई है। तो अब ये इमारत किस तरह खड़ी हुई है, इसकी जो है पहले नीचे फाउंडेशन बनाई गई है, सही है। इसकी जो है जमीन के अंदर जितनी गहरी फाउंडेशन होगी उतनी ही ऊंची इमारत होगी, उतनी ही मजबूत इमारत बनेगी। तो अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में जो है फाउंडेशन स्केलेटन सिस्टम को बनाया है, जो हमारे जो हड्डियों का जो सिस्टम है जिसको हम ढांचा कहते हैं उसको फाउंडेशन बनाया है। तो क्या होता है, जब हमें कैल्शियम की कमी होती है, खुराक में हमारी तब्दीली आती है, हम खुराक को सही खुराक नहीं, सही गजाएं नहीं खाते, तो जब हमारी कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर हो जाती है। जो अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए जो फाउंडेशन है ये वो कमज़ोर होती है। तो फिर क्या होता है, जब हमारी फाउंडेशन कमज़ोर होती है तो उससे उसके साथ साथ जो है हमारे मसल वगैरह मसल जो है वीक हो जाते हैं। फिर कैल्शियम जो है बॉडी को बैलेंस भी करती है। ये जो है कैल्शियम बॉडी को किस तरह बैलेंस करती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पोस्चर जो है कुछ का यूँ होता है कुछ का यूँ होता है चलने का, तो वो उनको जो है जो मेन जो मसले हैं उनके फाउंडेशन वीक है, यानी कैल्शियम की कमी है। कुछ की हिप्स बढ़ जाती है, कुछ की पेट बढ़ जाता है, कुछ का ये चेस्ट वाला एरिया बढ़ जाता है। तो ये दरख्त की एक हम मिसाल देते हैं कि दरख्त है वो जितना ऊपर जाता है उतनी ही जो है अपनी जड़ें मजबूत करता है, तो जड़ें जो है उसकी फाउंडेशन है। तो वही सेम मिसाल है कि जितनी मजबूत हमारा स्केलेटन सिस्टम होगा उतनी ही मजबूत जो है हमारी बॉडी होगी, और हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो जो है कैल्शियम से मजबूत होगा। फिर हम देख लेते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या मसाइल आते हैं। सबसे पहला जो है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर, सही है। फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी ऐसे ऐसी बीमारियां जो हाथ से हमारे दिल से रिलेटेड हों। तो जब दिल के जो शरियाने हैं, जो आपको मैंने समझाया था पहले, ये जब
बीसीएम से क्या होता है, स्पाइरल ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए वोर्टेक्स एनर्जी पैदा होती है, जिससे जो है वो खून की जो नाली है साफ होती है। फिर जो है डायबिटीज, डायबिटीज का जो मसला है वो भी इससे रिलेटेड है। डायबिटीज जो है बेसिकली जो है वो हमारा जो है तब होती है जब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता है। तो हम आपको पहले बताते रहते हैं कि खाने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। तो जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे जो पैंक्रियाज है इंसुलिन छोड़ता है। तो हमने अगर नमकीन खाना खाया तो नमकीन के हिसाब से जो जो पैंक्रियाज है उसके हिसाब से इंसुलिन छोड़ेगा, तो वो बैलेंस होगी, वो खाना हजम हो जाएगा, सही है। फिर जब हम खाने के बाद मीठा खाते हैं तो इंसुलिन तो इतनी छोड़ी होती है, तो फिर जो है जो हमारा जो शुगर लेवल होता है खाने का वो बढ़ जाता है, जिससे जो है हमारे जो जो पैंक्रियाज मैनेज नहीं करता। हाँ, पैंक्रियाज हमारे मैनेज नहीं कर पाता और फिर जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। फिर हमारी जो नज़र का ताल्लुक है वो भी कैल्शियम से, कैल्शियम और जिंक से। जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो उनको जो है नज़र भी उनकी चांसेस ज़्यादातर चांसेस उनके एंजिनियम की जो है नज़र भी कमजोर होती है। अच्छा, अब जो है कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को मजबूत नहीं करती, हमने तो अभी तक ये सुना ना कि कैल्शियम जो है हड्डियों को मजबूत करती है, लेकिन कैल्शियम की जो है हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने और भी निज़ाम रखे हैं, कैल्शियम और भी काम करती है हमारे जिस्म में। तो कैल्शियम जो है वो आप देख सकते हैं, एक ये बदब है, ये पोस्ट में है। तो ये जो है कैल्शियम जो हमारी बॉडी में जो है पोस्ट मैन का भी काम करती है, डाकिये का भी काम करती है, वो जो है मैसेज देती है हमारी बॉडी को, और जो है जो सेल की जो हमारे जो सेल को कहते थे सेल जो है जो हमारी बॉडी में जिस चीज से हमारी बॉडी बनी है उसको सेल कहते हैं। तो वो जो है सेल की जो एक्टिविटी है उसको भी कंट्रोल करती है, रेगुलेशन उसमें पैदा करती है। फिर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गई है। अच्छा, अब इसका ताल्लुक हमारी बॉडी के साथ इस तरह है, जब हम कुछ भी खुराक खाते हैं हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जब हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब सही तरह अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। विटामिन मिनरल मुख्तलिफ न्यूट्रेंट जो है ट्रैफिक जैम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो जितने भी जो न्यूट्रेंट्स हैं वो जो है कहाँ नजर आएंगे हमें, कि हमारा जो है हमें मोटापे का मसला होगा। तो कैल्शियम जो है उन न्यूट्रेंट्स को उन जगह पहुंच जाती है, डाकिये का काम करती है, जो जिंक को कहाँ लेके जाना है, आयरन को कहाँ लेके जाना है, फैट को कहाँ लेके जाना है, वो ये काम करती है। हड्डियों के मजबूत करने के अलावा कैल्शियम का एक और ये भी रोल है। तो आज बस इतने ही हम तो इसका मतलब ये हुआ, आर्टरीज की ब्लॉकेज है ये ट्रैफिक जैम हुई ना, किसी की हिप्स बड़ी होगी ये ट्रैफिक जैम है, इसका पेट निकला है ट्रैफिक जैम, तो ये ट्रैफिक जैम की एग्जांपल है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है, बहुत मेहरबानी।